ओबीसी आरक्षण को लेकर जिला कांग्रेस पिछड़ा ने दिया ज्ञापन। जिला कांग्रेस पिछड़ा वर्ग के नेतृत्व में शनिवार को कांग्रेस जनों ने प्रदेश की भाजपा सरकार की ओबीसी आरक्षण विरोधी नीतियों के विरुद्ध में महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया। ज्ञापन में मांग की है कि प्रदेश की भाजपा सरकार ने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष पिछड़ा वर्ग की जानकारियों को सही रूप से प्रस्तुत नहीं किया, इस वजह से आगामी चुनाव में ओबीसी आरक्षण समाप्त कर दिया गया। इस ओबीसी विरोधी भाजपा सरकार को भंग किया जाए। भाजपा सरकार की नाकामी के विरोध व ओबीसी आरक्षण को लागू करने को लेकर साथ ही वर्तमान में प्रदेश भर में भाजपा सरकार द्वारा इस भीषण गर्मी में की जा रही अघोषित बिजली कटौती का विरोध भी ज्ञापन के माध्यम से किया गया। ज्ञापन का वाचन जिला कांग्रेस पिछड़ा वर्ग अध्यक्ष दीपक सिंह गुर्जर ने कर ज्ञापन तहसीलदार राजर्षि ठाकुर को सौंपा।